फ्रेंड हम जो आपने बनाई है बहुत ही शानदार फिश, इनको सैलो फ्राई किया है 3 पीसेस को, और ये शानदार सा इसका हमने फिश करी बनाया है। हेलो एवरीवन, कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी। तो उसके लिए मैंने 1.5 किलो ये फिश ली थी। इसमें मैंने डाली है हरी मिर्च की चटनी, इसमें लहसुन अदरक नमक सब मिला हुआ था, पूरे सब कुछ मिला हुआ था उसमें, तो मैंने और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। 1 चम्मच डाली है हल्दी इसमें, और मैं डाल रही हूँ फ्रेंड 1 चम्मच विनेगर, आप इसकी जगह नींबू ले सकती हैं। तो मैं 1 चम्मच विनेगर डाल रही हूँ इसमें, 1 चम्मच भर के। बस, और उसको अच्छे से मसाले लगा देंगे सारे पीसेस पे, क्योंकि हरी मिर्च की चटनी में पूरे मसाले अच्छे हैं। हरी मिर्च, लहसुन अदरक सब कुछ डाला मैंने, ज़ीरा तो बस, और पुदीना धनिया भी डाला है। तो बहुत ही अच्छे से मसाले उसमें लगा देंगे एक एक पीसेस पे, अच्छे से उसको मैरिनेट कर देंगे फिर लगा के। और इसको आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए रख दीजिए, मैंने वैसे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने 20 मिनट के लिए इनको रखा है। 20 मिनट में ही बहुत अच्छे हमारे मैरिनेट हो गया था। देखिए इसमें मुँह थे, मैंने मुँह भी इसके कटवा लिए थे, और अच्छे से सारे मुँह पे सब पे लगाया है मैंने। और बस अब इसको ढक के रखे दे रहे हैं 20 मिनट के लिए। फ्रेंड 20 मिनट हो गए हैं, और फ्रेंड आज मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से कि मेरा फ़ोन का जो स्टैंड था जिसमें लगा के मैं वीडियो बनाती थी वो आज टूट गया है। तो बस यहाँ तक तो वो चल रहा था, थोड़ा सा मैंने बना लिया, उसके बाद मैंने एक हाथ में पकड़ा है फ़ोन और एक हाथ से मैंने वीडियो बनाई। ये 3 पीस मैंने अलग निकाल लिए हैं, इनको शैलो फ्राई करना है। इधर इनको डीप फ्राई कर लिया है सारे फिशेस को अच्छे से दोनों तरफ से, इनको अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है और इनको निकाल लिया। अब इसमें डाला, उसी तेल में डाला है ज़ीरा, और डाले लहसुन का पेस्ट डाला है 2 चम्मच भर के। अब इसको अच्छे से भून लूँगी जब तक कि इसकी रॉयल स्मेल ना निकले। अब रन अच्छे से भून गया, लहसुन अदरक डाल के भी इसमें डाला है मैंने, 2 प्याज का पेस्ट बना लिया था मैंने। अब प्याज के पेस्ट को भी डाल के थोड़ा भून लियो कलर चेंज होने तक, और 2 ही टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया था बगैर पानी के, ये भी डाल रही हूँ, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और देखिए इधर हमारी फ़िश फ्राई होके रख गई है। मसाले मेरे इस तरीके से, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1/2 चम्मच गर्म मसाला है। और फ्रेंड्स नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, तो बस। और ये 4 चम्मच है दही, दही भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालनी है तो ना डालें आप। अब मेरा मसाला अच्छे से भुनने लगा है, मैंने दही भी इसमें डाल दिया फ्रेंड। कुछ चीज़ मैंने रिकॉर्ड की है, कुछ चीज़ रिकॉर्ड नहीं की है। बस इस तरह से हुआ था कि एक हाथ में पकड़ के ना फ़ोन मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, तो बस इतना हिला है, कुछ टेढ़ा आया है, कुछ आया इस तरीके से। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें अपनी फिश डाले दे रहे हैं हम सारी। और इधर देखिए 3 पीस मैंने शैलो फ्राई करे हैं हल्के हल्के मसाले में, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ पर्सनल, क्योंकि मुझे ज़्यादा मसाले नहीं खाना था तो इसलिए मैंने। और देखिए इधर हमारी अच्छे से फिश करी में बहुत दगद आ गया, हमने इनको पलटा दिया है और इनको ढक के अब बहुत थोड़ा सा 1 चमचा पानी डाला था। फ्रेंड आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। और देखिए हमारी फ़िश बन के तैयार हो गई, और हमने सर्व भी वैसे ही उसी में कर दी हैं। तो आपको अगर पसंद आती है रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और देखिए अभी बिल्कुल सूखी ड्राई बनाई है। अल्लाह हाफिज़।